हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं मीनाक्षी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और आप सब अपना ध्यान रखिए दोस्तों। और मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज तो कहानी नहीं है, आज दो बातें बताती हूँ। कहानी सोच के बताऊँगी, अगर याद आ गई तो एक और वीडियो डाल दूँगी कहानी की। अभी मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा कौन सी सुनाऊँ, तो इसलिए दो बातें बताती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ मस्त हो गए। और देखिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए बताती हूँ। क्या आप लोगों को पता है, जो जैसे पुराने ज़माने में या अब तो मॉडर्न हो गया है, कोई किसी का कहना नहीं मानता, चाहे पहला महीना हो, चाहे दूसरा महीना, चाहे तीसरा महीना प्रेगनेंसी है, तो जो लड़की है अपने मन की ही करती है, कभी इधर घूमती है उधर घूमती है। पहले के ज़माने में आपने देखा था कि जैसे अगर कोई प्रेगनेंट है, अगर लड़की प्रेगनेंट है बहू, तो बहू को मायके नहीं भेजा जाता था, मायके से ससुराल नहीं आ सकती थी, कहीं आना जाना नहीं करती थी वो, और घर में ही रहती थी ज़्यादातर, और छुपाया भी जाता था। अब तो सब पहले महीने में ही उसका टेस्ट का किट का फोटो डालते हैं, फिर फर्स्ट मंथ का, सेकंड मंथ का, ऐसे ऐसे वीडियो डालते हैं। पर पैसे पहले ये सब नहीं होता था, बड़े बुजुर्ग लोगों की बातें भी माननी चाहिए। सो दोस्तों, आधारित है इसी पर ये बात मेरी, कि कहते हैं सातवें आठवें महीना में अगर प्रेग्नेंट स्त्री है, गर्भवती महिला है, तो उसे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, नदी तालाब नाला नहीं पार करना चाहिए, सफ़र नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है किसी को पता है? लेकिन बड़े बुजुर्ग जो भी कह गए हैं सब अच्छे के लिए कह गए हैं, लेकिन आजकल की मॉडर्न दुनिया नहीं मानती है सब बातें। पर जब जिसके ऊपर बीत जाती है ना, तो सब जगह मानने लगता है। तो इसी के अनुसार ये बात है, सातवें और आठवें महीना में बच्चे का भाग्य लिखा जाता है। शिव परिवार की उपस्थिति में बच्चे का भाग्य लिखते हैं शिव जी। उसके बाद जो है, अगर वो स्त्री, गर्भवती स्त्री, नदी नाला या पार करती है, कहीं सफ़र करती है, तो उसका भाग्य वहीं रुक जाता है। जैसे कि अगर उसके भाग्य में सुख लिख गया है तो, और उसके बाद खंडित हो जाता है, वो भाग्य लिखना बंद हो जाता है, तो सुख ही रहेगा। और अगर दुख लिख दिया है तो दुख ही रहेगा, और वो हर सुख सुविधाओं से वंचित रहेगा, पूरी ज़िंदगी परेशान रहेगा वो बच्चा। इसलिए अरे कहा गया है कि सातवें आठवें महीने में नदी नाला तालाब नहीं पार करना चाहिए, और कहीं आना जाना नहीं चाहिए, सफ़र नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, अगर कोई ऐसा करता है तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसा ना करें, नहीं करें। आप जब इतने मतलब कष्ट और तकलीफ से एक बच्चे को कंसीव करते हो, उसके बाद उसको जन्म देते हो, उसके बाद उसकी कोई तकलीफ़ सुनते हो, और फिर तो बुरा लगता है ना, तो प्लीज़ दोस्तों ऐसा ना करें। और दूसरी बात, दूसरा था, हम लोग हर जगह से गंगा जल लाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, कहीं भी मतलब तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहाँ से गंगा जल लाते हैं, हुगली जाते हैं, मतलब वहाँ पे कलकत्ता में है हावड़ा ब्रिज के पास हुगली नदी, वहाँ से लाते हैं, ब्रह्मपुत्र से लाते हैं, कैलाश, सब जगह से हम लोग गंगा जल लाते हैं। क्या आप जानते हैं हम काशी से गंगा जल नहीं लाते हैं? नहीं पता ना आप लोगों को क्यों नहीं लाते? पता है क्यों? मैं बताती हूँ, इसलिए नहीं लाते क्योंकि काशी में उस जल में जो जितने भी कीड़े मकोड़े जल जीव जंतु होते हैं, उस जल के साथ वो भी आ जाते हैं, और उसके बाद जो है उनका उद्धार नहीं होता है, और वहाँ पे सब का उद्धार होता है काशी में, इसलिए वहाँ से गंगा जल नहीं लाते हैं। अगर भूल चूक से भी कोई सभी, क्या हम देख रहे हैं? क्योंकि छोटे छोटे कीड़े कीट वो सब अदृश्य होते हैं, हमको दिखते नहीं हैं। अगर आप उससे देखोगे ना, जो ऐसा साइंस के लोगों के पास होता है, डॉक्टर के पास ऐसा करके देखते हैं, उसे मुझे नाम नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, ग्लास होता है वो, तब आपको दिखाई देंगे। इसलिए काशी से कभी गंगा जल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ वो कीट पतंगे भी आ जाते हैं, और उनका उद्धार रुक जाता है जिसका गंगा मैया उद्धार कर रही होती है। सो इसलिए काशी से कभी गंगा जल नहीं लाना चाहिए, और ना लाना, अगर आप सोच रहे हैं लाने की तो बिल्कुल नहीं लाना, आपको भी पाप लगेगा। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर कहानी याद आ गई कोई तो ज़रूर सुनाऊंगी दोस्तों, नहीं तो फिर कल की मिलेंगे कल, क्योंकि अभी मुझे बहुत काम है, मुझे बाहर जाना है कहीं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंड अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत है।